और हम फटाफट लेते रहेंगे। अब सर पहला सवाल सौरभ मलिक का, इन्होंने जी आईक्यू लाइटिंग के शेयर्स खरीदे हैं 430 पर। आईटीओ आईक्यू लाइटिंग जो भी कुछ दिन पहले लिस्टिंग हुई है, मुझे इसका सॉरी आई के आई आई के आईओ ओके आई के आईक्यू अब लाइटिंग। समझ लिया, अब निकाल देता हूँ। आई के आईओ आईक्यू लाइटिंग, हाँ अभी कुछ दिन पहले लिस्टिंग हुई है, थोड़ा वीकनेस नजर आती है। इसमें स्ट्रेंथ आएगी जब वो 440 के ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है, स्ट्रेंथ आएगी 420-440 के ऊपर, जब तक वो नहीं होता थोड़ा वीकनेस नजर आ रही है इसके अंदर, तो थोड़ा रिस्की है आईके, थोड़ा रिस्की रहेगा आई क्यों, वीक नजर आ रहा है लिस्टिंग के बाद से। अंजलि जोशी ने सवाल पूछा है टाटा मोटर्स डीवीआर, अब तो डीवीआर क्या है, तो डीवीआर या टाटा मोटर्स में सेम, चूंकि सब कुछ तय हो गया तो एक ही टैंडम में चलेंगे, फिर भी सर देख के बता दीजिए। पर टाटा मोटर्स जी 405 का है, अभी मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, करीब 5 हफ्ते से एक साइडवेज जोन पर है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, इस पर 440-450 देखेंगे आते तो मैं, अप मूव ऑन है टाटा मोटर्स डीवीआर में, ओके कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आता। तीरथ पटेल ने एक सवाल भेजा है आरसीएफ पे, और इन्होंने खरीदा है 120 पर, क्वांटिटी है 1000, और इनका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। वेल शॉर्ट टर्म के लिए तो सबसे पहले अपने आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा 118 का राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, और फिर एक नियर टर्म टारगेट हो सो सकता है 150 के, 140 में थोड़ा रेसिस्टेंस है वहां पर थोड़ा रुकेगा, लेकिन 140 और 150 ये एक जोन है वहां तक जाने की संभावना है, यस राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।